नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना दोस्त होगी। यूपी के जिला बरेली में बड़ा बाईपास पर छुट्टा पशु से टकराने के बाद कार आग का गोला बन गई। कार सवार ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और जाम लग गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाया, तब जाकर ट्रैफिक सुचारू हो पाया। घटना को लेकर एक्सपर्ट भी उलझन में है, क्योंकि छुट्टा पशु से टकराने के बाद कार में आग लगने की घटना बेहद चौंकाने वाली है। अमूमन पशु से टकराने के बाद कार में डैमेज होता है, मगर जिस तरह से कार चंद सेकंड में धू धू करके जलने लगी, उसे कार की सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सनसनीखेज वारदात बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे की है। सुभाष नगर में रहने वाले रविकांत फरीदपुर की भरतपुर ग्रामीण बैंक शाखा में कैशियर हैं। वे गुरुवार सुबह घर से बैंक जा रहे थे। बड़ा बाईपास पर पुल के पास अचानक उनकी कार के सामने छुट्टा पशु आ गया। छुट्टा पशु से टकराने के बाद कार में स्पार्किंग के साथ ही आग लग गई। कार से धुआं और आग की लपटें निकलती देख रविकांत ने फौरन बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते चंद सेकंड में कार आग का गोला बन गई। इससे हाईवे पर हड़कंप मच गया, एक लेन पर यातायात भी थम गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब पुलिस ने कार को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक को चालू करवाया। इस घटना को लेकर एक्सपर्ट राकेश मंगला का कहना है कि छुट्टा पशु से टकराने के बाद कार में आग लगने की घटना चौंकाने वाली है, क्योंकि आम तौर पर कार डैमेज होती है, आग लगने की संभावना बेहद कम होती है। कार में आग लगने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, पहला वायरिंग में शॉर्ट सर्किट और दूसरा फ्यूल पाइप के टूटने पर। खैर, कार में आग कैसे लगी इसका सच जांच में सामने आ जाएगा, मगर इस तरह की घटना से कारों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े होने लाजमी हैं।